दोस्तों दिल से नमस्कार। हम अनीता यादव। एक बात कहना है आप लोग से कि साहित्य पहले मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का मतलबी कहने के बाद और कहने के पहले कहीं ऐसा ना हो कि मैं मतलबी बन जाऊं और मैं मतलबी निकल जाऊं। इसके लिए दुनिया को मतलबी कहने से मैं बहुत डरती थी, जहाँ से कि अब समझ में आता है कि दुनिया मतलबी है, सच्चार दुनिया मतलबी है। मुझे नहीं पता था पहले, पहले ऐसा लगता था कि मैं दुनिया को मतलबी बोलने जा रही हूँ, शायद मैं मतलबी बन जाऊंगी। ये सोच करके मैं कभी दुनिया को मतलबी नहीं समझते थे, यही भावने में रह गए कि दुनिया मतलबी है आई और मैं बोल के मतलबी बन जाऊं। लेकिन सच अब पता चलता है कि दुनिया मतलबी है। आज मैं कह रही हूँ कि दुनिया मतलबी है, और ये भी बात सच है कि कहे के तो सबके हुआ अपन, अपन कहे वाला के बा, सुखावा तो सब कोई बैठे, दुखवा बटावे वाला के बा, आसार के देवा धुआई ले तो जोत जरावे वाला के बा। ये सच है यार, ये सच है। पता है दुनिया एक मतलबी है, इसको मैं गर्व से कह सकती हूँ कि दुनिया मतलबी है। दोस्तों बस यही कहना है आप लोग से, छोड़िए कह के भी फायदा नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए। अपनी मन की बात मन में रह जाए वही सही है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि दुनिया मतलबी है। ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कुछ कि प्यार मोहब्बत ये वो, ऐसा नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि मतलब दुनिया अपन देखती है कभी भी और अजमाती है कभी भी, आप लोग गलत फहमी में मत जाइएगा, ठीक है। आप कभी भी कामयाब होने के सोचेंगे ना, किसी काम में कामयाब हो आपके साथ अंदाजा जाएगा। देखिए आप उस लायक है, वो चीज़ कर सकती हैं, शायद आप करना भी चाह रहे हैं ना, तो भी आपको नहीं मिलेगा कामयाब। इसके लिए हम बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है दोस्तों। और मैं इस हाल में ज़्यादा भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा बोलना भी, और ना ही कहे तो ही सही है, चुप रहे हम तब भी सही है, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ मान गए मैं कि दुनिया मतलबी है यार, दुनिया मतलबी है। मैं पहले बहुत डरती थी कि दुनिया मतलबी नहीं है, शायद मैं कह के मतलबी ना बन जाऊँ, लेकिन अब पता चलता है कि दुनिया मतलबी है। कोई नहीं अपना होता है, कोई अपना नहीं होता है। एक सपना होती है ना, नाइट में देखते हैं तो सुबह में याद होता है, कभी भूल जाते हैं, उस तरह के ये इंसान की जिंदगी होती है। दोस्तों हो सकता है कि मैं और कुछ बातें बाद में शेयर करूं, शायद मेरी तबीयत सही नहीं है, 2 बजे नाइट से ही मेरी तबीयत आज सही नहीं है कुछ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। शायद मैं वीडियो डालूँ और गाना गाऊँ वाना गाऊँ, उसी बात दूर की है। जब तक से अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहूँगी आप लोग से, क्योंकि मैंने कभी ऐसा ऐसा वीडियो नहीं डालती हूँ, नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ है कुछ। वो चीज अभी भी कहूँगी कि कहे के तो सब कोई अपन अपन कहे वाला क्यों ना,